नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाने जा रहा हूं, जो कि है सस्ती बांसुरी और महंगी बांसुरी के बारे में। इस बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं बांग्ला में। तो कल मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा कि क्या आप ये वीडियो हिंदी में बना सकते हैं। तो चूंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए मैं आज ही इसको बनाने में लग गया। तो मैं बात करूंगा कुछ, मेरे पास दो सस्ती की बांसुरी जो मैं मेरी बांसुरी बजाने का शुरुआत में खरीदी थी। तो वो ये है, एक जो एफ शार्प बेस है और ये एक ई बेस है। वैसे इसका, ये सस्ती बांसुरी का आपका स्केल का उतना कुछ नहीं होता है कि जो भी लिखा होता है स्केल, उस स्केल का कुछ वैसे फर्स्ट जो नोट है उसका जो स्केल होता है वही बांसुरी का स्केल हम लोग जानते हैं। तो उसका स्केल शायद मिल जाए, लेकिन बाकी का स्केल सस्ती की बांसुरियों में नहीं मिलती है। तो इसके बारे में ही मैं बात करने जा रहा हूँ आज, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है जो लोग बिगिनियर्स हैं उन लोग के लिए। क्योंकि क्या होता है कि दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि हारमोनियम या तो कीबोर्ड या तो दूसरा कुछ गिटार, इसमें क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट आप अगर खरीद ले तो उसमें आपको बहुत सारे स्केल मिल जाएंगे और उसी में आप बहुत सारे स्केल बजा सकते हैं। लेकिन बांसुरी में ऐसा नहीं होता। बांसुरी में आपको एक एक स्केल का, जैसे एफ शार्प ये हो गया, एफ का एक होता है बीच में, फिर ई का होता है, ये ए शार्प का है, वैसे डिफरेंट स्केल्स के डिफरेंट बांसुरियां होती है। तो बिगिनियर्स जो है वो जिनके फाइनेंशियल उतना कंडीशन ठीक नहीं है, वो क्या सोचेंगे कि मैं पहले शुरुआत में एक सस्ती की बांसुरी खरीद लेता हूँ। लेकिन सस्ती की बांसुरी खरीदने में जो परेशानी बाद में होती है, वही उसी बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ और उसका कुछ नमूना भी दिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को। कि सोचिए, अभी एफ शार्प में बज रहा है तानपुरा, और इसीलिए हम लोग तानपुरा का यूज करते हैं, क्योंकि तानपुरा का यूज करने में हम लोग को जो शुरुआत का स्वर है उसका जो स्केल है वो सही तरीके से पता चल जाए। जैसे कि ये एफ शार्प का बांसुरी है, मैं पहले महंगी की बांसुरी जो मैं बजाता हूँ वो बजा के आपको सुनाता हूँ कि कैसे आपका स्केल इसका है। ये एफ शार्प बेस है, पहली बात है कि ये मिलनी चाहिए सा, जो कि तानपुरे के साथ, और उसके बाद इसके हिसाब से इसका रे गा मा पा धा नी सा ऐसे आएगा। इस पे इसमें आपको सुन के ही पता चलेगा कि ये कितनी सुंदर बज रही है ये बांसुरी। और इसके मुकाबले जो ये सस्ती की बांसुरी है, एक 500 रुपीज में मैंने खरीदी थी कुछ साल पहले, इसकी साउंड सुनिए आप। ये पहला सा तो थोड़ी बहुत मिल रही है तानपुरे के साथ।
या फिर अबरोन मैं नहीं बजा रहा हूँ, इसमें आपको पता चलेगा सुनने से ही कि सारे गामा थोड़ी बहुत मिल रही है लेकिन पास से पूरा ही बिगड़ रही है स्केल, इसका कुछ आसपास भी नहीं आ रहा है। जो पा इस स्केल में बजना चाहिए वो पा के आसपास भी नहीं आ रहा है ये। तो ये सोचिए एक 500 रुपीज में मैंने खरीदी थी और उसके मुकाबले ये मैंने बजा के सुनाया आपको, 1500 रुपीज इसका कीमत पड़ा है मुझे। अब मैं आपको थोड़ी बड़ी एक बांसुरी है मेरे पास उसका सुना रहा हूं। ये आपकी ई स्केल बज रही है यहाँ पे, और मैं पहले जो महंगे की बांसुरी है मेरे पास जो मैं बजाता हूं ई बेस की, इसका कीमत है 2000 रुपीज। ये मैं बजा के आपको सुनाता हूं कि जो सही सुर है कैसा लगेगा सुनने में। ये हो गई महंगी वाली बांसुरी की जो ट्यून है वो मैंने आपको सुनाया। अब ये सस्ती वाली बांसुरी जो मैंने आज से 16 साल पहले खरीदी थी, तो ये इसका कीमत क्या पड़ा था मुझे अभी खास करके याद नहीं है, लेकिन जब मार्केट में आप अगर पूछेंगे तो इसका लास्ट मैंने जब गया था मार्केट में मैंने पूछा था तो इसका 700 से 800 रुपया मांगे गए। तो इसका आप ट्यून सुनिए। इसका मैं पूरा नहीं बजा रहा हूं, इसका खास करके मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही थी इसका फूक से साउंड निकालने का, लेकिन आज मेरा बहुत ही एक्सपीरियंस है, आज मैं निकाल सकता हूँ इससे आवाज। लेकिन पहले जब मैंने इसको लिया था इसमें फूक भरने में ही मुझे बहुत ही परेशानी हो रही थी। तो ऐसी बांसुरियां मैं अब कलकत्ते की बात करूं तो कलकत्ते में लाल बाजार का मार्केट है, म्यूजिक मार्केट, वहां पे आपको मिल जाता है ऐसी बांसुरियां। महंगी बांसुरी भी मिलती है लेकिन उसका मेकर से आप कांटेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने ये महंगी बांसुरियाँ लिया है जो एस फ्लूट से लिया है मैंने, सो तो ऐसे ही आप बहुत सारे फ्लूट मेकर्स हैं जिसके पास से आप अगर लेंगे तो उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बांसुरी में कोई परेशानी होगी तो वो आप सुधार सकते हैं। और इन बांसुरियों में और एक बात है जो आप गौर करेंगे तो आपको दिखाई देगी कि इस महंगी बांसुरी की होल्स और सस्ती बांसुरी की होल्स जो है, देखिए इनकी ये दो होल्स में कितनी डिस्टेंस है और ये दो होल्स में कितनी डिस्टेंस है। तो ये जो बांसुरी मेकर्स है, फ्लूट मेकर्स है, इनकी जो ट्यूनिंग की मेहनत होती है, ये मेहनत खास करके ये जो होल्स बनाने पे जाती है। तो ये होल्स आपकी इस बांसुरी में उतनी मेजरमेंट से नहीं होती है। इस बांसुरी की भी देखिए ये जो होल्स है इसकी एक मेजरमेंट होती है, जो मेजरमेंट ठीक से अगर किया जाए और होल्स ठीक से किया जाए तभी बांसुरी की ट्यूनिंग अच्छी होती है। इसकी डिस्टेंस देखिए और इसकी डिस्टेंस देखिए और ये तीनों की भी डिस्टेंस देखिए, इसमें थोड़ी सी डिस्टेंस है, इसमें थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस है, लेकिन इसमें ऑलमोस्ट
इक्वल कर दिया गया है। तो इन लोग जो सस्ती बांसुरी बनाते हैं उनका उतना आइडिया नहीं होती है कि ये होल्स कितने डिस्टेंस में किया जाए, और अच्छी तरह से ये लोग होल्स नहीं बनाते हैं, इसलिए सस्ती बांसुरियों की ट्यूनिंग अच्छी नहीं होती है। मेरा सुझाव होगा बिगिनियर्स के लिए कि पहले सोचिए कि ये दोनों बांसुरी मैंने ये 500-600 रुपया की सोचिए और ये 700-800 रुपया की सोचिए, तो इसका अगर मैं खर्चा ना करके, इसके पीछे स्पेंड ना करके ये पैसों से मैं अगर ऐसा एक सोचिए 1500 करीबन ये दो का कीमत मिला के जितना मेरा गया वो मिला के मुझे ये एक फ्लूट मिल जाता, तो ये फ्लूट लेके मैं अगर प्रैक्टिस करता तो मेरा सुर बहुत ही ज़्यादा पक्का होता। तो इसलिए मेरा एडवाइस होगा बिगिनियर्स के लिए कि पहले कोई सस्ती की बांसुरी ना खरीद के एक मीडियम मिनिमम स्टैंडर्ड की बांसुरी, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है वो तो ब्रांडेड फ्लूट्स ले सकते हैं, जैसे कि पूनम या तो दूसरे है काना है कांति जी के फ्लूट्स है वो सब भी ले सकते हैं, लेकिन उससे भी थोड़ी कम कीमत में बहुत सारे फ्लूट मेकर्स हैं जो वेल ट्यून बांसुरियाँ बनाते हैं, उनसे भी आप ले सकते हैं, लेकिन एक मिनिमम ट्यून होना चाहिए। जैसे मैं आपको सुनाया ये ई स्केल की और एफ शार्प की जो महंगी बांसुरी है, वैसी बांसुरी से स्टार्ट करना अच्छा है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से बिगिनियर्स जो है जो कि सोच रहे हैं कि कौन सी बांसुरी मैं खरीदूं, उनको डिसीजन लेने में बहुत ही हेल्प होगी। थैंक यू।